हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, जिसको हम कासी फल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम पम्पकिन कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 400 ग्राम कासी फल को कट करके वॉश कर लिया है अच्छे से। गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, गैस के फ्लेम को ऑन किया है, फ्लेम को जो है वो लो रखेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग। इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। इसी के साथ इसमें कद्दू को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड इसमें मसाले ऐड करते हैं, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। कद्दू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं, अभी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून वाटर को ऐड करेंगे और ढक के लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कद्दू हमारा जो है वो हाफ कुक हो चुका है। इसमें अभी 2 टेबल स्पून शुगर को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर के साथ सब्जी को अच्छे से मैश कर लिया है, अभी इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से ढककर कुक करेंगे। चलिए सब्जी को फिर से ओपन करके देखते हैं, सब्जी हमारी कुक हो चुकी है। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें हरे धनिया को बारीक कट करके ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इसी के साथ गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। चलिए आपको सब्जी को सर्व करके दिखाते हैं किस तरीके का टेक्सचर आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे टेक्सचर के साथ बनके तैयार हुई है ये हमारी कद्दू की सब्जी। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।